Hello, this is Tarun sir, and welcome back to my YouTube channel Arindam English Speaking Classes. That is one of the largest growing YouTube channel based on English speaking and grammar portion that you know very well, guys. So today I have a topic before you, this one, that is word of the day. And I hope you all are fine in this corona time. So let's start this topic. Today's word is enunciate. It's a verb. It means घोषणा करना. आज का वर्ड है एनन्शिएट. इसका मतलब क्या होता है? घोषणा करना. ये क्या है? एक वर्ब है, यानी कि क्रिया है. यहाँ पे कि किसी काम होने की बात हमको पता चल रही है. यहाँ पे क्या काम हो रहा है? यहाँ पे घोषणा हो रही है. ठीक है, तो जब वर्ब कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? जहां पर कोई काम या कोई एक्शन हमें दिखाना हो, वहां पे हम वर्ब का यूज करते हैं. ठीक है, और बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए. ठीक है, सो गाइस, इस वर्ड का मतलब तुम्हें पता चल गया. अब इसका सिनोनिम देख लेते हैं एक बार. इन सेम मीनिंग वाले जो अदर वर्ड्स हैं, इसके सिनोनिम हो जाएंगे अनाउंस और प्रोक्लेम. यानी अनाउंस करना या प्रोक्लेम. ठीक है, आपने सुना ही होगा कि डीएम ने अनाउंस किया, सीएम ने अनाउंस किया, पीएम ने अनाउंस किया. ठीक है, इसी तरह से कोई भी टाइप की अनाउंसमेंट जो होती है उसके लिए हम अनाउंस वर्ड भी यूज कर सकते हैं, प्रोक्लेम वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और एनुंशिएट वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं. अब इसका इस वर्ड का एंटोनिम देख लेते हैं एक बार, यानी अपोजिट मीनिंग वाला जो यहाँ पे जो वर्ड हमें दिया हुआ है, इसका अपोजिट हो जाएगा कंसील. दूसरा है हाइड. इसका मतलब हो जाएगा छिपाना, क्योंकि ये इसका अपोजिट है, तो इसका मतलब हो जाएगा छिपाना. ठीक है, नेक्स्ट इसी वर्ड के ऊपर बेसिक सेंटेंस देख लेते हैं. यहाँ पे पहला वाला, पीएम मोदी एनन्शिएटेड गवर्नमेंट प्लान्स टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे. आपको पता होगा इस इंडिपेंडेंस डे पे लाल किले से पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया था गवर्नमेंट प्लान्स. किसके रिगार्डिंग? कि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं. ठीक है, यानी पीएम मोदी ने अनाउंस किया था कि हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं. इसी मोदी जी ने क्या की थी? घोषणा की थी. तो ये क्या हो जाएगा? घोषणा करना. यहाँ पे एनन्शिएटेड है. अब यहाँ पे मैंने वर्ड बताया था एनन्शिएट, यहाँ पे एनन्शिएटेड, क्योंकि ये सेंटेंस है पास्ट सिंपल का. ठीक है, क्योंकि क्या आप बोल सकते हैं इसको पास्ट इंडेफिनेट का, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया हुआ, यानी एनन्शिएट का बन जाएगा यहाँ पे एनन्शिएटेड. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ पे एनन्शिएटेड क्यों आया. इसका मतलब हो जाएगा घोषणा करना. यहाँ पे हो जाएगा घोषणा की, क्योंकि पास्ट में सेंटेंस है, तो इसको हम बोलेंगे घोषणा की. नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं एक बार. रिसेंटली द इंडियन क्रिकेटर्स एमएस धोनी एंड सुरेश रैना एनन्शिएटेड देयर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. हाल फिलहाल में आपको पता ही होगा जो हमारे दो एमिनेंट क्रिकेटर्स हैं, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत ही ज्यादा फेमस क्रिकेटर्स थे, आपको पता ही होगा इनके बारे में. ठीक है, उन्होंने जस्ट कुछ दिन पहले अपनी रिटायरमेंट की घोषणा क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने कर दी है. ठीक है, सो गाइस, ये था आज का वर्ड एनन्शिएट. आई होप आपको ये वर्ड समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा. अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव्स में शेयर भी जरूर कीजिए. और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप मेरे से लाइफ टाइम के लिए कनेक्ट आप रह सकते हैं. और मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आगे बनाने वाला हूँ आपके लिए, आपके कॉम्पिटिव एग्जाम्स के लिए और एकेडमी एग्जाम्स के लिए, वो आप तक आती रहेंगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो. प्लस चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको क्या करना है, उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कीजिए और उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन आपके डायरेक्ट आपके फोन पर आपको तुरंत मिल जाए. ठीक है, और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो. सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, बाय बाय.